नमस्कार। कक्षा तृतीय विषय गणित का भाग तीन अध्याय दो, दो अंकों की संख्याओं की जोड़। इसमें आज हम पढ़ेंगे संख्याओं को इकाई दहाई सैकड़ा के अनुसार लिखना। अभ्यास 2.3 है। आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में सारणी बनानी है और इसको लिखना है। सारणी बनाकर खाली स्थान भरिए। अभी इसको क्या करना है, पहले विस्तृत रूप लिखेंगे, उसके बाद में इन संख्याओं को इकाई दहाई सैकड़ा के अनुसार लिखेंगे और उसके बाद में सभी को इसको वापस शब्दों में लिखेंगे। तो देखेंगे दो का दो, इसमें दो अंक पीछे हैं तो दो जीरो लगाएंगे, प्लस छह के पीछे एक अंक एक जीरो, प्लस तीन। अब इनको इकाई दहाई सैकड़ा के अनुसार लिखेंगे। दो सैकड़ा है, प्लस छह दहाई है, प्लस तीन इकाई है। उसके बाद में इसको क्या करना है, शब्दों में लिखना है। 263। इसी प्रकार से इस सभी को लिखना है। 149। एक पीछे दो अंक दो जीरो, प्लस चार, चार के पीछे एक अंक एक जीरो, प्लस नौ का नौ बराबर एक सैकड़ा, प्लस चार दहाई, प्लस नौ इकाई। इसको इस शब्दों में लिखेंगे। 149। ठीक है, अभी लेंगे 209। दो दो जीरो, प्लस दाई के स्थान पर जीरो जीरो, प्लस नौ का नौ। दो सैकड़ा, प्लस जीरो दहाई, प्लस नौ इकाई बराबर, और शब्दों में लिखेंगे इसको 209। इसी प्रकार से 377। तीन दो आगे दो जीरो, प्लस सात एक जीरो, प्लस सात बराबर तीन सैकड़ा, प्लस सात दहाई, प्लस सात इकाई। अब शब्दों में लिखेंगे 377। इसी प्रकार से ये प्रश्न ऐसे हल करने हैं इकाई दहाई सैकड़ा के अनुसार। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। अभी दूसरा प्रश्न है, निम्न संख्याओं में इकाई दहाई और सैकड़ा का मान बताओ। इसमें संख्याओं के इकाई दहाई और सैकड़ा का मान बताना है। जैसे पहला प्रश्न है 470, तो इसमें चार सैकड़ा है तो इसका मान कितना होगा, तो चार चार के पीछे दो अंक दो जीरो, चार सैकड़ा का मान 400, छह दहाई का मान छह और एक अंक पीछे एक जीरो 60 और 7 इकाई का मान 7। इसी प्रकार से बाकी वाले भी प्रश्न आपको हल करने हैं, वो आपको गृह कार्य में देंगे। एक और प्रश्न ले लेते हैं 307। तीन सौ सात तो तीन
कितना इधर ही सैकड़ा, तीन सैकड़ा बराबर तीन जीरो जीरो तीन सौ, जीरो दहाई बराबर जीरो जीरो इसका मान रहेगा, सात इकाई बराबर सात इसका मान रहेगा। इसी प्रकार से ये दूसरा प्रश्न ऐसे आपको इकाई दहाई सैकड़ा का मान बताना है। ऐसा ऐसा प्रश्न आपको गृह कार्य में देंगे जो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है और इसको भी आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद।